एक पुरानी कहावत है, गरीबी में पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीब रहकर मर जाना यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े टॉपिक पर बात करेंगे, वह है पैसा। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैसा। दुनिया का 95% पैसा, केवल 5% लोगों के पास है, और दुनिया की 5% दौलत 95% लोगों के पास है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? ऐसा क्या है कि कुछ लोगों के पास अकुत संपदा है, कुबेर का खजाना है, और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं? इस दुनिया में सभी लोग एक समान जन्म लेते हैं, सभी के वही हाथ पैर नाक मुंह शरीर सब कुछ एक समान होते हैं, फर्क है तो केवल हर व्यक्ति की सोच का। आज की इस कहानी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्यों गरीब और मध्यम वर्ग ही रह जाते हैं, और कैसे कुछ लोग नई प्लानिंग के साथ अमीर बनते जाते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। आज का टॉपिक उस इंसान के लिए है जो अपनी गरीब मानसिकता वाली सोच से निकलकर जो अपने जीवन में और पूरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाता है। इसीलिए आज की इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए और आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दे। एक गुरु एक शांत गहरी झील के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे कई वर्षों तक उस राज्य के राजा के पास आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। उन्होंने मानव मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया था। वे किसी भी व्यक्ति से बातचीत करके और उसके शारीरिक हाव भाव से उस व्यक्ति की मन की बातों को समझ जाते थे। इस कारण से भी कई लोग उनके पास कई तरह की समस्याओं पर विचार विमर्श करने आते और उनसे समाधान प्राप्त करते। इसी तरह से एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाता जो अमीर बनने के लिए करना चाहिए। मेरा मन और मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता। मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूं तो मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और वह काम शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता है, जिस कारण मैं किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता। इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शित करें। मुनिवर बोले, संसार के अधिकतर लोग जब कोई महंगी वस्तु देखते हैं, महंगा घर देखते हैं, कोई आलिशान चीज देखते हैं, तो उनका मन तो करता है कि काश ये मेरे पास होता, काश मैं भी इस महंगे घर में रहता, ये शानदार चीज मेरे पास भी होती। लेकिन गरीब सोच वाले व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि मैं ये खरीद नहीं सकता, कि मैं ये नहीं कर सकता। और इन शब्दों ने, इस सोच ने 95% लोगों के जीवन को गरीब बनाकर रखा है। और इतना सोचते ही तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और मन में आ रहे सवाल खत्म हो जाते हैं, और यहीं पर वो बात भी खत्म हो जाती है जो तुम्हारे मन ने बोली थी कि काश ये शानदार वस्तु मेरे पास होती, ये आलिशान घर मेरे पास होता। और 95% लोग ये बोलकर अमीरी से दूर हो जाते हैं कि मैं ये खरीद नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। वह व्यक्ति बोला, तो अब क्या करूं मुनिवर? मुनिवर बोले, तो आज के बाद तुम जब भी कोई आलिशान वस्तु देखो या बड़ा घर देखो तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि मैं ये खरीद नहीं सकता या मैं ये नहीं कर सकता। आज के बाद तुम ये बोलो कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। जैसे ही तुम ये सोचने लगते हो तो तुम्हारे अंतर्मन में तार जुड़ने लगते हैं और तुम्हारा अंतर्मन इसे पूरा करने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है, और तब तुम्हें तुम्हारा दिमाग वो रास्ता बताता है, वो तरीका बताता है, वो योजना बताता है कि इस तरीके से, इस तरह से इन सब चीजों को तुम खरीद सकते हो, तुम इन्हें पा सकते हो। इसलिए कभी ये ना सोचना कि तुम खरीद नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते। ये एक सोचने की प्रक्रिया है जिसका सीधा असर तुम्हारे अंतर्मन पर होता है। गरीब लोगों की सोच हमेशा गरीब ही रहती है। गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी सोच हमेशा उन्हें गरीब ही रखती है। लेकिन अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और सकारात्मक सोचने की वजह से उनका मन उन्हें सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी वजह से वे लगातार अमीर बनते जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते रहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसा हम दिन भर सोचते रहते हैं वैसे ही नतीजे हमारे सामने आते रहते हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो। अगर तुम यह सोचते हो कि मैं इसे खरीद सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं,
तो आने वाले समय में तुम इसे कर सकते हो। अगर तुम यह सोचते हो कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अमीर बनने के सभी रास्तों को बंद कर देता है। यही सच्चाई है, यही प्रकृति का नियम है और ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग इसी सिद्धांत पर चलता है। मुनिवर आगे बोले, आज तुम्हें गरीब मानसिकता वाली नकारात्मक सोच को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें गरीबी से आजादी मिलेगी। यहां पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? क्या तुम्हारे जीवन में पैसों का महत्व है? वह व्यक्ति बोला, हाँ सच में है। मुनिवर बोले, अब तुम ध्यान से समझो कि समस्या कहां है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल पर्सन जिसका ड्रीम बहुत सारा पैसा कमाना था, वो जॉब करने गया तो उसने देखा कि उसकी मेंटालिटी, उसकी थिंकिंग प्रोसेस एक नौकर की तरह होने लगी है, तो उसने केवल एक महीने में ही अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो उसके पापा ने उससे सवाल किया, जॉब नहीं करेगा तो क्या करेगा, पैसा कैसे कमाएगा? तो उसने जवाब दिया, पापा यही तो सोचना है कि बिना जॉब के पैसा कैसे कमाना है। मैं अपने माइंड से पूछूंगा कि पैसा कैसे कमाना है, तो वह मुझे बताएगा और सभी रास्ते दिखाएगा। यह जवाब सुनकर उसके पापा शॉक्ड रह गए और कुछ सालों के बाद ही वह सक्सेसफुल पर्सन आज 2 करोड़ की मर्सिडीज कार में चलता है। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि मुसीबतें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन अच्छी खबर भी यही है कि मुसीबतें केवल हमारे दिमाग में ही होती हैं। मुसीबत यह है कि जिसके दिमाग में मुसीबतें होती हैं, उसके जीवन में भी मुसीबतें ही आती हैं। दोस्तों, आज के समय के सफलतम लोगों में से एक अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक बात कही है, दुनिया में सबसे खराब बात है गरीब सोच वाले व्यक्ति से बात करना। वह इस तरह से कि गरीब सोच वाले व्यक्ति को अगर कोई चीज फ्री में देते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया है। गरीब सोच वाले से कहोगे कि कोई बड़ा बिजनेस करो तो वो कहेगा पैसा नहीं है, उसे कहां जाए। कि कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस करो तो बोलेगा कि प्रॉफिट कम होगा। उससे कहा जाए कि नया बिजनेस करो तो वह कहेगा इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। उससे कहा जाए कि पुराना बिजनेस करो तो इसमें उसका जवाब होगा कि कंपटीशन बहुत है। गरीब सोच वाले व्यक्ति के पास संसार का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, सही प्लानिंग नहीं करना चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता। यही गरीब मानसिकता उसे जीवन भर गरीब बनाकर रखती है। दोस्तों, आज के युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका कहना है कि मैं वही करूंगा जो मुझे करना पसंद है, जिसे मैं प्यार करता हूं। लेकिन संसार की सबसे बड़ी सच्चाई केवल 1% लोग ही जानते हैं जो इस संसार में अमीर हैं, वो ये है कि कभी कभी जो काम करना हमें पसंद नहीं होता, उसे करने से हम अमीर बनते हैं। संसार के अधिकतर अमीर लोग भी वही काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं होता, इसीलिए वे अमीर बनते हैं। और गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनना आपको पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो जाने अनजाने में आप गरीब बनते जाते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, अमीर बनना पड़ता है और गरीब अपने आप बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, सवाल तो ये है कि आपके पास जितनी दौलत हो सकती थी उतनी है या नहीं। मुनिवर आगे बोले, अब तुम ऐसी 5 बातें ध्यान से सुनो जो गरीब सोच वाले, गरीब मानसिकता वाले लोगों में एक बीमारी की तरह रहती है, जो एक लाइलाज बीमारी की तरह उन लोगों के मन में घर बना लेती है। अगर गरीब सोच वाला व्यक्ति इन 5 बुरी आदतों को अपने मन से निकाल दे तो अमीर बनने के रास्ते पर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। जहां बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ी सफलता है, तो उन 5 बुरी आदतों को अभी अपने मन से निकाल दो। गरीब सोच वाले लोगों की सबसे पहली बुरी आदत है खेलों में अपना ज्यादा समय व्यतीत करना। खेलों को खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल खेलों को देखकर अपना कीमती समय बर्बाद करना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। गरीब सोच वाले लोग उन खेलों को देखने में 5-5, 6-6 घंटे अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और इस तरह से अपना पूरा जोर आजमाइश करते हैं कि हम ही जीतना चाहिए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ हमें ही जीत मिलनी चाहिए। वो अपनी पूरी ऊर्जा ये सोचने में लगा देता है कि हम ही इस खेल को जीतना चाहिए। अगर गरीब सोच वाला व्यक्ति इससे आधी ऊर्जा अगर अपने सपनों को पूरा करने में लगा दे तो शायद वो अमीर बन जाए।
गरीब सोच वाले व्यक्ति का सबसे ज्यादा समय इन खेलों को देखने में ही व्यतीत होता है। गरीब सोच वाले व्यक्ति की दूसरी बुरी आदत है दूसरों को दोष देना। इनके जीवन में कुछ भी हो जाए, ये हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो भी दूसरों को ही दोष देंगे। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते, मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते, मेरी पत्नी मेरी मदद नहीं करती। गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति की सोच ही ऐसी होती है और वो हर मुसीबत के लिए दूसरों को दोष देते रहता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ये मुसीबत या नुकसान मेरी वजह से हुआ है। ये हमेशा हर बात के लिए केवल दूसरों पर ही दोषारोपण करता है। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अभी के अभी ये दो चीजें बंद कर दो। पहली कि अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो और दूसरी दूसरों को दोष देना बंद कर दो। गरीब सोच वाले लोगों की तीसरी बुरी आदत है दूसरों को देखकर जलन महसूस करना। गरीब सोच वाला व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है लेकिन ये अमीर लोगों से नफरत करता है। जीवन में हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, तुम जिसके जैसा बनना चाहते हो तुम उसकी निंदा करके वैसा नहीं बन सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो तो तुम्हें अमीर लोगों का सम्मान करना चाहिए, अमीर लोगों की तारीफ करनी चाहिए, अमीर लोगों के साथ रहना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप अमीर कैसे बने हैं। इसमें तुम्हारा अहंकार आगे नहीं आना चाहिए। गरीब सोच वाले व्यक्ति की चौथी सबसे बुरी आदत जो मध्यम वर्ग व्यक्ति के लिए बर्बादी का कारण बनती है वह है दिखावा करना। इसकी महीने की पगार 25,000 रुपये होती है लेकिन इसके पास चीजें 1,00,000 रुपये की होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रतिस्पर्धा करना। उसके पास महंगी वस्तु है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास महंगा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? इसलिए वो अपनी पगार से अधिक खर्चा दिखावा करने में कर देता है। कई मध्यम वर्ग परिवार तो ऐसे होते हैं कि कर्जा करके भी दिखावा करते हैं और इस दिखावे के चक्कर में वे बहुत बड़े कर्जे में दब जाते हैं और जीवन भर उस कर्जे को ब्याज के साथ चुकाते रहते हैं और उसे चुकाते चुकाते ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है लेकिन हम कर्ज क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दिखावे में खर्चा करने के लिए कर्जा लेते हैं और कुछ लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं। जो लोग व्यवसाय करने के लिए या बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं वे और अमीर बनते जाते हैं और जो लोग दिखावा करने के लिए कर्जा लेते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। गरीब सोच वाले लोगों की पांचवी बुरी आदत। अगर इस बात को तुमने सही तरीके से समझ लिया तो तुम्हारी गरीबपुर की यात्रा बहुत जल्दी अमीरपुर की यात्रा में बदल जाएगी। वह है गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। स्कूल विद्यालय पढ़ लेने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता। यह गरीब मानसिकता की सबसे बुरी आदत है। जबकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि स्कूल विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद ही जीवन की असली पढ़ाई शुरू होती है, जो अधिकतर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। संसार में कोई भी वस्तु हर समय एक समान नहीं होती, उसमें परिवर्तन होते रहता है। जैसे 5 साल के बाद एक पेड़ फल देने लगता है तो उसमें परिवर्तन हुआ, इस तरह हमें भी समय के हिसाब से खुद में परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हमें लगातार हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, साल दर साल अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना है, सीखते रहना है और नई नई जानकारियों को सीखना है। अपने काम से संबंधित सभी बातों को सीखना है। जो सीखता है वो निखर जाता है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो बिखर जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी है। आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।